8 से 10 घंटे पढ़ना बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरी बात को सुनो, तुम एक्चुअल में 1 से 2 घंटे से पूरे मार्क को स्कोर कर सकते हो। इस बात को बस एक्चुअलिटी में उतार नहीं पा रहे। मेरी बात को सुनो, आप लोग क्या करते हो यार, 1 से 2 घंटा बहुत कम टाइम है। मैं इसके अंदर नहीं, 8 से 10 घंटा, मैं सच बता रहा हूँ, 8 से 10 घंटे के अंदर जो बंदा भी पढ़ाई कर रहा है ना, वो तुम 1 से 2 घंटे के अंदर पूरा आउटपुट निचोड़ लोगे, उससे ज़्यादा निचोड़ लोगे। बस इन टिप्स को अच्छे से फॉलो करना। मैं जानता हूँ तुम इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे होगे कि यार मेरा मिड टर्म नज़दीक आ चुका है, अब क्या 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ूंगा तो कैसे होगा, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, बस इन टिप्स को अच्छे से फॉलो करो। इसलिए मैंने सबसे पहले टिप को ये रखा, माइंडसेट सेट करो। हाँ, तुम्हारा माइंडसेट एक्चुअल में सेट नहीं हो रखा है। तुम सोच रहे हो कि यार मैं 95, 98, 99 तो मैं स्कोर ही नहीं कर सकता, मेरी तो है ही नहीं हैसियत। तुम एक्चुअल में गलत सोच रहे हो। अगर तुम ये सोच रहे हो कि यार 1 घंटे 2 घंटे से तो कुछ नहीं हो सकता, ये तुम गलत सोच रहे हो। ये दोनों चीज़ के माइंडसेट को बदल डालो। इसलिए कह रहा हूँ, सबसे पहले एक ऐसा माइंडसेट सेट करो कि यार दुनिया चाहे 10 घंटे पढ़ाई करे, 12 घंटे पढ़े, मैं 1 से 2 घंटे बैठूंगा, लेकिन मैं एक्चुअल में कर सकता हूँ। मैं इन टिप्स को अच्छे से फॉलो करूंगा, जिससे मेरा 1 से 2 घंटा हाईली आउटपुट में निकलेगा और ये तुम्हें बहुत फायदा देगा। तो सबसे पहली बात कहूंगा, माइंडसेट सेट करो। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टाइमर फ्रीक्वेंसी। सुनना मेरी बात, तुम एक्चुअल में क्या करते हो, जब भी पढ़ने बैठे, बैठा हूँ पढ़ने बैठा हूँ, ठीक है, पढ़ रहे हो, बीच में कहीं ना कहीं से डिस्ट्रैक्शन आ ही जाता है। वो आया, वो तुम्हें ले करके कहीं चला गया, तो फिर से आया पढ़ाई करने, फिर तुमने एक दिन बहुत हचक करके पढ़ाई कर ली, फिर 2-4 दिन आराम से आराम करते हो, फिर याद आता है कि मैंने कुछ पढ़ा था। ये सबसे गलत पद्धति है। आज से मुझसे प्रॉमिस करो, सबसे पहले प्रॉमिस करो, चाहे कमेंट में मत लिखो, लेकिन अपने अंतर्मन से प्रॉमिस करो, आज अगर पढ़ने बैठोगे तो कल भी पढ़ने बैठोगे, कल अगर पढ़ने बैठोगे तो परसों भी पढ़ने बैठोगे। एक दिन के अंदर 10-10 घंटे, 8-8 घंटे, 2-2 घंटे पढ़ करके बंदे 10 दिन का आराम ले लेते हैं। मैं तुमसे गारंटी के साथ कह सकता हूँ, तुम अपनी लाइफ के अंदर फेल होगे अगर तुम आज सोच रहे हो मैंने 1 घंटा पढ़ लिया और अगले दिन 1 दिन का भी गैप दे दिया ना। ये मन बहुत बहुत भाई बहुत अजीब चीज़ है, मैं बता रहा हूँ, तुम्हें बता नहीं सकता। 1 दिन का गैप तुम्हारा 10 दिन में कब कन्वर्ट हो जाएगा पता नहीं चलता। ये होता है बच्चों के साथ, तुम कभी भी चेक कर लेना, चेक कर ही रहे होगे। जब तुम पढ़ने बैठते हो, तुम सोच रहे थे क्या पढ़ने बैठा हूँ, तुरंत कोई ऐसा इंस्टाग्राम पे आ गया, रील देखते देखते तुम्हारा कितना टाइम वेस्ट होता है, मुझे सच बताना। अचानक से तुम कहाँ से कहाँ पहुँच गए तुम्हें पता नहीं चलता, फिर वापस से मन नहीं करता कि यार अभी तो मन में पूरा रील ठूस चुकी है, अब नहीं पढ़ा जा रहा, अब थोड़ी देर बाद पढ़ूंगा। ये सबसे गलत बात है। तो टाइमर फ्रीक्वेंसी के साथ पढ़ो। कैसे, मैं बताता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी पढ़ने बैठो एक टाइमर लेकर के बैठो, चाहे फ़ोन का टाइमर, एरोप्लेन पर डालो फ़ोन को, टाइमर लेकर के बैठो और जितनी देर तुम पढ़ना चाहते हो उतनी देर का टाइमर लगा दो। अगर उसके बीच में टॉयलेट आ रही है, खाना पीना कुछ हो रहा है, कुछ इमरजेंसी आ गई, तो टाइमर को पॉज करो। ऐसा नहीं कि टाइमर निकल रहा है 2 घंटे तो बीत रहे, ना 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 ना, जिस समय तुम पढ़ने बैठे हो वही समय तुम्हारा टाइमर के अंदर गिना जाएगा, ये बात को समझो। उसके अलावा चाहे तुम कहीं पर भी जा रहे हो, बाथरूम जा रहे हो, मुंह धोने जा रहे हो, मैं नहीं मानता, उसको पॉज करके जाओ, क्योंकि वो तुम्हारे टाइमर में नहीं गिनेगा। इस हिसाब से तुम्हारे 2 घंटे के अंदर जो आउटपुट निकलेगा ना, तुम एक्चुअल में समझ नहीं पाओगे। इसके बाद तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब्राहम लिंकन ने एक बार एक बात कही थी, मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा था कि अगर मुझे 4 घंटे दिए जाए एक पेड़ को काटने के लिए और मुझे कुल्हाड़ी दी जाए, तो मैं 2 घंटे तक सिर्फ कुल्हाड़ी को बहुत ज़्यादा धारदार बनाऊंगा। अगर वो पहले से धारदार है तो भी उसको धारदार करने की कोशिश करूंगा, जिससे वो 2 घंटे का काम मैं 15 से 20 मिनट के अंदर कर लूँ, क्योंकि जैसे ही मैं पेड़ के ऊपर लगाते जाऊँ वो पेड़ आराम से कटते चले जाए, इतनी धार बना दूं मैं अपने उस कुल्हाड़ी की। ये काम तुम लोग नहीं कर पाते। तुम एक्चुअल में क्या करते हो, मुझे पढ़ने बैठना है, मुझे पढ़ने बैठा है, मैं पढ़ने बैठा हूँ, ये बात मन से निकाल दो। ये मत सोचो तुम बहुत बड़े तोप नहीं हो कि यार मैंने खाना पीना, मतलब जो है मैं आराम नहीं करता, मैं जॉगिंग नहीं करता, मैं खेलता नहीं हूँ, मैं रिलैक्स नहीं करता। ये सब करना इंपॉर्टेंट है भाई। तुम अगर ये सोच रहे हो कि मैं मन को एकदम से रोक लूंगा, करके देख लेना, तुम्हारा मन तुम्हें और ज़्यादा गिरा देगा। मेरी बात को मानो, फ्रस्ट्रेशन में फंस जाओगे, गलत जगह चले जाओगे। इससे बढ़िया माइंड को आराम से रिलैक्स करो, सो खूब हचक करके सो, जो खेलना है खेलो, कूदो, अच्छी चीज़ है। गलत चीज़ों को तो मैं खुद मना कर रहा हूँ, उसमें तो ये जाएगा, लेकिन गलत नहीं, अच्छी चीज़ों को मैं इसको दबा करके दूँ। उसके बाद जब तुम 1 घंटा पढ़ने बैठोगे ना, उतने में तुम अपने पूरे चैप्टर को पूरा निपटा लोगे, आराम से निपटा लोगे। लेकिन ये सब चीज़ों को एकदम छुपाओ मत, ये सब चीज़ें धारदार है। सोना हो गया आपका, रिलैक्स करना हो गया, थोड़ा खेलना कूदना हो गया, ये सब तुम्हें ना वापस से रिचार्ज करते हैं। गलत चीज़ों में अगर इसको लगा दोगे, अपनी एनर्जी को वेस्ट करने वालों पर,
तो तुम गए बर्बाद हो, फोन में गंदी चीजें देख रहे हो, वो बहुत सारी चीजें होती है, आपको पता होगा। यहाँ पब्लिकली ये सब बातें करना कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप सब अपने हो इस टाइम पे, क्योंकि मेरी बात को सुन रहे हो तो अभी थोड़ी देर के लिए अपने हो, ठीक है। इसके बाद जो अगली टिप आती है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आती है आपकी पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें। जब भी तुम पढ़ने बैठते हो, तुम एक्चुअल में क्या करते हो कि यार मैं आज पढ़ने बैठा हूँ, ये काम मत करो। सबसे पहले अपने टॉपिक को फिक्स कर लो, ये मैं बहुत सारी वीडियोस के अंदर कह चुका हूँ, फिर से कह रहा हूँ, टॉपिक को फिक्स कर लो कि दो घंटे के अंदर इतना चीज़ मुझे निपटानी है। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, ऐसा नहीं कह रहा कि दो घंटे के अंदर पूरी बुक निपटानी है, पॉसिबल नहीं हुआ तो मन टूट जाएगा। दो घंटे के अंदर मैं 3 से 4 एक्सरसाइज को निपटा दूंगा मैथ्स की, जो भी तुम्हारा टारगेट है उसको फिट करो, इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसके बाद जॉ एंड जेबीएस रूल को फॉलो करो। जॉ एंड जेबीएस का मतलब क्या होता है, जैसे तुम सुबह उठते हो 1 से 2 घंटा अपना बर्बाद मत करो। मैं जानता हूँ सुबह उठती आँख एकदम वो रखी होती है, थोड़ा सा चल लो, वॉक कर लो, ज़्यादा नहीं, बस अपनी गली भर में एक चक्कर मार लो, ज़्यादा नहीं, एक चक्कर में तुम एकदम फ्रेश हो जाओगे। उसके बाद आते ही किताब लेकर के बैठो, जो तुमने पिछले दिन पढ़ा था उसको वापस से पढ़ो, बहुत बेस्ट टाइम होता है, दिमाग के अंदर सब चीज़ ठूसती चली जाती है। इसके बाद रात का समय आता है, जस्ट बिफोर स्लीप, जैसे तुम सोने जा रहे हो उसके 1 से 2 घंटे पहले मक्खियाँ मत मारो, सीरियल मत देखो भाई, ये सब देख के तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद करो। सीरियल देखने के बजाय तुम एक काम करके आराम से बैठो और जो तुमने पढ़ा है पूरे दिन के अंदर उसको रिवाइज करो। ऐसा क्या होगा, तुम जब सोने जा रहे थे तुमने वही चीज़ पढ़ी, तुम सुबह उठे वही चीज़ तुम देख रहे हो, दिमाग के अंदर ऐसी सेट होगी ना, एग्ज़ाम के टाइम पर तुम्हें बहुत मज़ा आएगा, तुम हिल जाओगे अपने मार्क्स को देख करके। इसके बाद जो लास्ट वाली चीज़ आती है वो आती है, वेस्ट टाइम के लिए भी टाइम निकालो। इस बात को समझना, आप एक्चुअल में क्या करते हो, मैं डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहता हूँ, मुझे फ़ोन का वो है, तुम इससे कितना दूर भागोगे, सिंपल सी बात है। अच्छी चीज़ें अभी से छांट लो कि तुम्हारे लिए अगर कोई एंटरटेनमेंट वाली चीज़ है तो वो बेस्ट कौन सी है, गंदी चीज़ तो देखोगे तो तुम्हारा दिमाग ही भ्रष्ट होगा, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। अपने तरीके से अपने हिसाब से बेस्ट वाली एंटरटेनमेंट वाली चीज़ें निकाल लो, निकालने के बाद उसको एक टाइम दे दो कि शाम को 5 से 6 में मैं ये चीज़ें करूँगा, मैं फ़ोन में ये चीज़ें देखता हूँ तो थोड़ी देर देखूँ, अच्छी चीज़ है, बेकार नहीं है, एंटरटेनमेंट करेगी, मुझे मज़े देगी, मैं थोड़ी देर देखूँगा, 5 से 6 के बाद मैं नहीं देखूँगा और सुबह में मैं बिल्कुल नहीं देखूँगा। पूरा दिन बीत जाए मत देखो, शाम बीत जाए मत देखो, बस 5 से 6 का टाइम जो दिया, जो भी तुम एक टाइम फिक्स करो 1 घंटे का, उसमें ही उस चीज़ को दो। इससे क्या होगा ना, माइंड को पता है कि पूरे दिन मेहनत कर ले, 5 से 6 में तो मज़े करने हैं, फिर 5 से 6 करने के बाद अच्छा ठीक है रात को थोड़े सा मज़े वजे करके पढ़ाई वढ़ाई करके सो जाते, सुबह कल से फिर टाइम आएगा 5 से 6 का, तब तुम्हें मज़ा भी आएगा उस चीज़ को देखने। पूरे दिन लपेट रहे हो तुम, बोर होते जा रहे हो, मेरी बात को मानो, ये काम अगर तुम करना स्टार्ट कर दोगे, गारंटी के साथ करो, फोड़ के नहीं अपने एग्जाम के अंदर फाड़ करके आओगे। धन्यवाद आप सभी।